देखिए हमारे पास दिया है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x बाई में, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर x इंटू में 2 प्लस e टू द पावर x dx। चलिए इसमें पुट करते हैं हम लोग e टू द पावर x को t, और इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो e टू द पावर x dx जो होगा वह dt के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, dt यहाँ पे ऊपर 1 लिख दो, नीचे हो जाएगा 1 प्लस का t और इंटू में 2 प्लस का t। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2dt। अब देखिए टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस 2 है ना जी, इसको हम लोग चाहें तो टी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में टी इंटू में 3 बाई टू डिवाइड कर दिया और 3 बाई टू का स्क्वायर ऐड कर देंगे और एक बार इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बाई टू का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूले पे सेट हो गया, टी प्लस 3 बाई टू का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस का 9 बाई फोर। चलिए अब इसके बाद देखिए टी प्लस का 3 बाई टू का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 1 बाई फोर आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका t प्लस 3 बाई टू का स्क्वायर और माइनस 1 बाई टू का स्क्वायर। चलिए अब इसको उसमें रख के इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 बाई नीचे हो जाएगा t प्लस 3 बाई टू का स्क्वायर माइनस 1 बाई टू का स्क्वायर dt। तो इसका इंटीग्रल के लिए जानते हैं ना जी फॉर्मूला, चलिए लगा देते हैं। तो एक क्या है जी, इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 बाई टू, एक जगह पे 1 बाई टू लॉग यहाँ पर आ जाएगा आपका t प्लस 3 बाई टू माइनस 1 बाई टू और बाई में t प्लस का 3 बाई टू और प्लस का 1 बाई टू प्लस का c। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, लॉग यहाँ t का वैल्यू क्या था ऊपर e टू द पावर, t का वैल्यू क्या था जी e टू द पावर x था ना, e टू द पावर x और इन दोनों को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। और बाई में यहाँ पर देखो e टू द पावर x और 3 बाई टू और 1 बाई टू 4 बाई टू यानी कि 2 आ जाएगा और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर।